एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में निकाला भव्य रोड शो। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली को किया संबोधित। बड़ी खबर, पहले हमारी आस्था से खिलवाड़ होता था लेकिन अब नहीं होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया है, भव्य रोड शो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो में जन सैलाब देखने को मिला है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झलक है किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनसभा किए, रोड शो कर रहे थे, उस दरमियान लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फूलों की वर्षा की गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झलक पा लेने के लिए राजस्थान की जनता आतुर नजर आई। देखिए किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ जनसैलाब देखने को मिल रहा है, लोग वहां पर झंडा पोस्टर दिए नजर आ रहे हैं। देखिए अभिवादन मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, तो अब देख सकते हैं विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। चलिए सीधे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान के दौरे के दौरान जनसभा में लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। श्रीमान विश्वराज जी मेवाड़, हमारे सभी अन्य विधायकगण, श्री हरि सिंह रावत जी, सुरेंद्र सिंह राठौर जी, श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, अविनाश गहलोत जी, श्री शंकर सिंह रावत जी, श्री लक्ष्मण राम कलुक जी, श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी, श्री मान सिंह बारड़ जी, और जो जिनके साथ एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में संसद में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजसमंद के समन्वय श्री पुष्प जी जैन, सह संयोजक श्री नरेश जी कनौजिया, जिला प्रमुख श्रीमती रजनी देवी जाट जी, विधायक मॉडल श्री उदयनाथ भड़ाना जी, और जैसा नाथ जी की मंडी के महंत योगी नारायण नाथ जी, भारी संख्या में उपस्थित राजसमंद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को बारंबार नमन करता हूं। ये वीरों की भूमि है, भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय इस धरती में देखने को मिलता है, और भक्ति और शक्ति का यह समन्वय ही हम सब की धमनियों में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाल पैदा करती, एक नया ज्वार पैदा करती है। बहनों और भाइयों, बप्पा रावल की वीरता से लेकर के महाराणा प्रताप के स्वदेश और स्वदेश स्वाभिमान के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज भी पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। महारानी पद्मिनी के जौहर को कौन भारतीय बुला सकता है, और मीराबाई की भक्ति हम सबके मन में, हम सबके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाला पैदा कर देती है। आपने देखा होगा अभी पिछले वर्ष जब यहां विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वृंदावन पधारे थे
और वृंदावन में महान भक्ति की प्रतीक मीराबाई जी की 525वीं जयंती के कार्यक्रम का मंचन का एक भव्य आयोजन हम लोगों ने वहां किया था। उस आयोजन में स्वयं भाग लिए थे, उन्होंने 3 घंटे का समय दिया था। मीराबाई के प्रति भाव प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में है और इसलिए ये मेड़ता की धरती तो महाभक्तनी महारानी मीराबाई की धरती भी है। बहनों और भाइयों, आज मुझे उत्तर प्रदेश से इस धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि जब राजस्थान अंगड़ाई लेता है तो उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है और इसी गूंज का एहसास कराने के लिए आज मुझे आपके बीच में आना पड़ा है। आप तो एक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, एक विरासत जो मेवाड़ और मेड़ता को आपस में जोड़ता है, एक वह विरासत जो राष्ट्रभक्ति के साथ माणा प्रताप के संबंधों का हम सबको एहसास कराता है और एक वह विरासत जो कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई को वृंदावन के साथ जोड़ करके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को और मजबूत करता है। मेरे संबंधों और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इसी राजस्थान से गए थे और जैसे मुझे बताया गया कि कागरवा घराना मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी वो यही इसी मेवाड़ की धरती से गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के बाद फिर वहां से उन्होंने राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रयासों से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हम सबके सामने हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इसीलिए इस बात का एहसास करा रहा हूं, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खो करके महाराणा प्रताप लड़ते रहे। उन्होंने स्वदेश और अपने स्वाभिमान के साथ स्वधर्म के साथ स्वधर्म को झुकने नहीं दिया था, देश के लिए और मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसके लिए कष्ट सहना पड़ा था, इसके लिए उन्हें जंगलों के अंदर भी कुछ दिनों तक रहना पड़ा था, लेकिन अपने जीवन काल में ही सभी दुर्ग और सभी किलों को वापस लेकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाले अकबर को उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इस पावन धरा को इसलिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं जिस धरती ने कभी भी स्वदेश स्वधर्म और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है। बहनों और भाइयों, आज देश एक बार फिर से राजस्थान का आह्वान कर रहा है। ये राजस्थान की धरती उसी बात की गवाह है, उसी बात को लेकर के चलती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजस्थान में आपको इतना प्यार क्यों मिलता है, मैं कहता हूं क्योंकि मैं भी सत्य का पथिक हूं और राजस्थान में उस सत्य की आवाज को हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। बहन और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, यह देश अपने भाग्य के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा जा रहा है और दूसरी ओर वे लोग हैं जो भारत को विकसित नहीं देखना चाहते, बदहाल देखना चाहते हैं। बहनों और भाइयों,
आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आप कोई भी विधर्मी, कोई विदेशी भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई विदेशी घुसपैठे भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अगर कहीं पे पटाखा भी तेज से फूटे तो सबसे पहले सफाई पाकिस्तान देता है, किसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। ये भय दुश्मन के मन में है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा और उसके द्वारा प्रश्रय प्राप्त किसी आतंकी संगठन का हाथ होगा तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वह भय के मारे पहले ही सफाई दे देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास कैसे होने चाहिए? हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस हाईवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसे बड़े परियोजनाएं आज देश की शोभा बढ़ा रही है, देश को विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए, 14 के पहले लोग भूखों मरते थे, अकाल पड़ती थी। 14 के बाद पिछले 4 वर्ष से आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। याद करिए, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ की है। 23 करोड़ लोग 1 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब देख लो ना, 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ अलग हुआ था पाकिस्तान, आज बदहाली का जीवन जी रहा है। मस्जिदों में जब विस्फोट होते हैं और चिथड़े उड़ते हैं उनके, उस समय आप देखते होंगे वहां के मंजर को। बहनों और भाइयों, ये पाकिस्तान के हाल है। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष कवर भारत दे रहा है, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए। जो कांग्रेस के लोग लेन देन करते थे, उस समस्या का समाधान मोदी जी ने जनधन अकाउंट करके खोल करके हर गरीब के पास सरकार का पैसा सीधे पहुंचेगा। दिल्ली से क्लिक करेंगे, जयपुर से क्लिक करेंगे, वह पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचेगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिल जाना, 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने कहा है कि 3 करोड़ नए आवास गरीबों को उपलब्ध करवाएंगे, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। 5 वर्ष तक राशन की स्कीम फ्री में इसी प्रकार से चलती रहेगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबका साथ और सबके विकास का यह ध्यान इसी प्रकार से चलता रहेगा। बहनों और भाइयों, इसके उल्टे 2014 के पहले क्या था? 4 से 14 तक लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था,
और कांग्रेस के लोग एक तरफ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और दूसरी तरफ गरीब यहां भूखों मरता था। बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे ये लोग, तो भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने में कोई संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग कानून बनाते थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करवा देने का काम करते थे और देश की आस्था पर प्रहार करने के लिए कहते थे राम तो हुए ही नहीं, यही तो कांग्रेस के लोग कहते थे। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था पर प्रहार करे, जो कांग्रेस से कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, क्या हम उन्हें वोट देकर के अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये गलती कोई स्वाभिमानी कौम नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती है। याद करिए, महाराणा प्रताप के साथ वीर योद्धा के रूप में यहां के भील और मीणाओं ने भी पूरी मजबूती के साथ उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। वही सम्मान उन्होंने इन सभी जातियों को दिया था और आज उसी विरासत को समेट करके आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए नाथद्वारा की जनता ने यहां पर पूरी मजबूती के साथ श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को अपना विधायक बना के भेजा है और मेवाड़ कुमारी यहां पर श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, पूरे देश के अंदर एक आवाज है। कल 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, राजस्थान में तो दो ही चरणों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में सातों चरणों में चुनाव होने हैं और मैं कह सकता हूं कल पूरे देश के अंदर एक ही आवाज थी और आवाज थी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए, मोदी जी पर अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए देश के अंदर एक ही आवाज थी और वह थी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपने देखा होगा अभी रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों लोग आए थे और उस दिन सूर्य किरण से भगवान राम का तिलक हो रहा था, आपने देखा होगा, पूरा सनातन समाज आलोकित हो रहा था, आलापित हो रहा था, अभिनंदन कर रहा था स्थिति को। 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेलने का अवसर प्राप्त हुआ और अपना जन्मोत्सव भी मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती क्या? क्या कांग्रेस देश की सीमाओं को सुरक्षा दे पाएगी क्या? क्या कांग्रेस विकास का कार्य कर पाएगी क्या? क्या कांग्रेस गरीबों का कल्याण कर पाएगी क्या? कांग्रेस तो देश के अंदर आतंकवाद की समस्या है, कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बना दीजिए, लोग जिस कांग्रेस के बारे में कहेंगे कि एक थी कांग्रेस। और बहनों भाइयों, यह अवसर है जब आप राजस्थान से इसकी शुरुआत करेंगे, आप सहमत हैं? सहमत हैं सभी लोग? इतनी भारी संख्या में यहां पर माता और बहनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आज श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी को अपना समर्थन देने के लिए आप सभी आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से इन बहनों और माताओं का मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं, इतनी भारी संख्या में आकर के इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और
और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक तो हैं राजसमंद से और 9वीं के रूप में आप सांसद चुनेंगे, ये 9 रत्न तो राजसमंद के होंगे ही, लेकिन इससे पहले 26 अप्रैल के लिए आप सभी को मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा और आप सबको माताओं को खास तौर पर महिमा कुमारी मेवाड़ जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना पड़ेगा और एक एक मतदाता को मतदान स्थल पर ले जाना पड़ेगा। सहमत है? सभी लोग सहमत है? ले जाएंगे। मैं इसी अपील के साथ आप सबसे अपील करूंगा, 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।